कि बंदर गहरी निद्रा में तो पटाखों के जलाने के बाद दो बड़े नुकसान होते हैं जी। पहला नुकसान तो ये होता है, इससे जो जहरीली गैसें और बारूद के मसालों के जो कण निकलते हैं वातावरण में जी। तो एक तो जहरीली गैसें आ जाती हैं, दूसरे पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा पर्यावरण में काफी बढ़ जाती है हवा के अंदर जी। और पटाखों के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि ये शोर काफी तेजी से होता है, तो कभी कभी जब आप पटाखों को बजाते हैं जी। तो आदमी ही नहीं, जिस तरह से आदमियों के कानों को एक सुनने की क्षमता होती है, इसी तरह से जानवरों के भी कान की सुनने की क्षमता होती है जी। और एक लेवल से यदि हाई स्पीड का साउंड उनके कान के पास आता है तो ज्यादा साउंड होने पर बहरा होने का डर रहता है, और थोड़ा सा उससे कम रहता है तो आपने देखा होगा कि इरिटेशन बढ़ जाता है। तो ये आदमियों में ही नहीं, ये जानवरों में भी इरिटेशन होता है जी। और इस इरिटेशन के चलते जब भी इरिटेट होगा कोई भी जीव तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाने के बाद बहुत सी अंदर की मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक सारी एक्टिविटीज उसकी बदल जाती है जी। तो इस तरह से काफी नुकसान होता है। इसलिए बार बार हम लोग कहते हैं कि पटाखों को जो बजाने की प्रक्रिया है, एक तो खुले एरिया में पटाखों को बजाया जाना चाहिए, तो खुले में बजाने से उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जब यदि इलाका बंद है और वहां पर आपने पटाखा बजाया तो शोर कई गुना ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, इको साउंड भी आने लगते हैं और उस साउंड से बढ़ जाता है। तो इसलिए एक तो ये सावधानी बरतनी चाहिए, और दूसरे आपने देखा होगा कि जिस दिन दिवाली की रात को भी, तो आज ही रात बीती है दीपावली, तो आदमी और औरतें ही नहीं सड़क पर घूम रहे थे, जो लोग सड़क पर नहीं थे वो अपने दरवाजे पर बैठे थे, क्योंकि इतने शोर में कोई सो नहीं सकता जी, जी। और सेम कंडीशन हो जाती है जानवरों के लिए जिसमें जितने हैं कुत्ते हैं बिल्ली हैं, इवन गाय वगैरह को भी आपने देखा होगा कि दीपावली की रात कोई सो नहीं पाता है, तो न सोने के कारण यही है कि या तो शोर दीपावली के रात में बहुत ज्यादा हो जाता है या तो प्रदूषकों की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, थैंक यू। कल इंसानों के लिए दिवाली तो खूब अच्छी रही, लेकिन बेजुबान जानवरों के लिए यही दिवाली कष्टदायी रही। दरअसल जब रात में पटाखे फूट रहे थे और धुआं फैला हुआ था तो बेजुबान जानवर सो न सके। राजधानी में बंदर आज वह नींद पूरी करने के लिए इधर उधर भटकते रहे। दोपहर में जब धूप खिली, अच्छा समय दिखा तो बंदर सोने के लिए अपना जगह तलाश लिए। लखनऊ से दिलीप शुक्ला, ETV।